साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने चीन पर एक बड़ी जानकारी सामने रखी है। चीन में एक और प्लेन क्रैश की मिस्ट्री से हड़कंप मचा है। 2 महीने में तीसरी बार चीन में प्लेन क्रैश हुआ है। सोशल मीडिया में दुर्घटना के बाद आसपास के घरों में लगी आग के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। सवाल यही है कि क्या चाइनीज प्लेन खटारा है या चीन के पायलट ही अनाड़ी है। आग के शोले, काले धुएं का बवंडर और विस्फोट की आवाजें। रिहायशी इलाके में कोहराम इसलिए मचा है क्योंकि यहां एक J-7 प्लेन क्रैश हुआ है। तस्वीरें चीन के हुबेई की हैं। प्लेन क्रैश इतना भीषण था कि आसपास के कई घरों में भी आग लग गई। वक्त रहते पायलट पैराशूट की मदद से इजेक्ट हो गया, वरना वो भी प्लेन की तरह भस्म हो जाता। बीते 2 महीने में यह चीन का तीसरा प्लेन क्रैश है। जी हाँ, प्लेन है कबाड़ या पायलट है अनाड़ी। चीन में लगातार हो रही विमान दुर्घटनाओं के बाद लोग यही चर्चा कर रहे हैं कि प्लेन क्रैश के पीछे की मिस्ट्री क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि खराब हो चुके विमानों को उड़ाने की वजह से ये हादसे हो रहे हैं। इसी साल 21 मार्च को चाइना ईस्टर्न फ्लाइट MU5735 भी हादसे का शिकार हो गई। ये विमान यूनान के कुनमिंग से ग्वांगझू जाते वक्त क्रैश हुआ था। इस क्रैश में 132 लोग मारे गए थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि ब्लैक बॉक्स के डेटा विश्लेषण से पता चला था कि विमान जानबूझकर क्रैश कराया गया था। इसी तरह 23 अप्रैल 2022 को चीन के शांकुई में पीपल्स लिबरेशन आर्मी का सुपरसोनिक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होंगडू F-15 क्रैश हो गया था। जमीन पर विमान के मलबे बिखर गए थे। विमान में सवार दोनों पायलट वक्त रहते निकल गए थे। दोनों की जान बच गई, लेकिन एक सनसनीखेज राज का पर्दाफाश हो गया। क्रैश प्लेन में एक चीनी पायलट के साथ एक रूसी पायलट भी सवार था। चाहे ये गड़बड़ी चीनी प्लेन्स में हो या फिर उनके पायलट में, लेकिन प्लेन क्रैश की ये तीनों ही घटनाएं बताती हैं कि कहीं कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।